हे मलाब, हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हैप्पी, हेल्दी, सेफ एंड साउंड। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है गॉड से आपको कैसा पति या पत्नी मिलने वाले हैं। ओके, व्हाट टाइप ऑफ स्पाउस और हस्बैंड और वाइफ यू आर गोइंग टू बी गेटिंग फ्रॉम गॉड। ओके, सो गाइस, यहाँ पर आपके लिए दो पायल्स हैं, पायल वन एंड पायल टू। ठीक है, ये है आपकी बर्थ डेट्स। जो भी आपकी बर्थ डेट है, आप अकॉर्डिंगली इसको चूज़ कर सकते हो। और जो लोग इंट्यूटिवली पायल चूज़ करते हैं, पायल नंबर वन यू हैव गॉट ब्लू फैदर एंड पायल नंबर टू यू हैव गॉट पिंक फैदर। ठीक है, सो विच एवर यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स मोस्ट यू माइट चूज दैट। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर वन, आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की। लेट्स सी कैसा पति मिलने वाला है आपको गॉड से और क्या एनर्जी है आपकी। ओके, सो सबसे पहले है आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपको कैसा पति मिलने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। व्हील, नाइस व्हील। और यहाँ है जी डेथ एनर्जी या रीबर्थ कार्ड। सो ग्रुप नंबर वन, आई कैन सी हीयर कि यहाँ पर जो आपके पति की एनर्जी है या पत्नी की एनर्जी है, दैट इज़ इन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। लिटरली ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा। पॉसिबिलिटी है कि ये या तो फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, सजिटेरियस, लियो, या फिर ये हो सकते हैं अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। ओके, और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है। इवन इफ शी इज़ अ गर्ल, स्टिल शी इज़ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन। बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, इसकी रिस्पेक्ट है। ठीक है, और ये इंसान बना ना एक्शन ओरिएंटेड है। मतलब आपके लिए अगर कुछ करना है जीवन में या नहीं करना, या अगर कोई कभी आपके लिए कोई स्टेप लेना पड़ा, ठीक है ना, दैट पर्सन वुड बी देयर फॉर यू, ऑलवेज फॉर यू। ठीक है, और दूसरी बात है कि लुक्स वाइज ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बड़े गुड लुकिंग जिसे बोलते हैं ना, होते होंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये बड़ा स्ट्रांग इंसान है, मेंटली भी और फिजिकली भी। इसको आप इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इसको आप इजीली अपनी बात नहीं मनवा सकते। ठीक है, क्योंकि ये अपने माइंड लगाते हैं। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा इसका एंगर इशू है, लेकिन ये एंगर इशू इसका वो नहीं है कि बिला वजह की बातों पर एंगर कर गुस्सा करना। दैट पर्सन इज़ लाइक लॉजिकल, यानी कि यू नो, गुस्से वाली बात है तो गुस्सा आएगा। ये कूल माइंडेड पर्सन नहीं है, ये बता दूँ मैं आपको। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है लिटरली, ये इंसान जिंदगी के दोनों एस्पेक्ट्स हैं, मतलब फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, उसको बैलेंस करके चलना जानता होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ तो बिल्कुल ही घर बैठ के और तुम कमाओ और मुझे कोई परवाह नहीं है खर्चे की या बच्चों की, और ना ही ये ऐसा है कि भाई मैं अब बाहर ही हूँ, अब तुमने ही संभालना घर, और मुझे ना ये मसले बताया करो और मुझसे ना ये कहा करो आज ये हो गया तो वो हो गया, मैं क्या करूँ, मैं कमाऊँ या मैं जो है ये मसले सॉल्व करूँ। ठीक है, ये पर्सन जितना ध्यान इनका प्रोफेशन में होता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये है
कि उतना ही ध्यान इनका घर पे भी होता है। सो ये बंदा आपको कॉल कर करके पूछा करेगा कोई मसला है, कोई बिल नहीं अभी तक सबमिट करवाया या पे नहीं किया या जो भी सीन है, ये बंदा आपसे पूछा करेगा, ठीक है। काफ़ी हद तक इस चीज़ की एनर्जी है। सो अनदर थिंग इज़ व्हील कार्ड, लिटरली आप लकी हो कि आपको ये मिले हैं, ठीक है। ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो लकी कि इनको आप मिले हो, ठीक है। बट आई बिलीव ये पर्सन को ले करके आपकी एनर्जीज, आपकी जो क्या उसे बोलते हैं डेस्टिनी या सितारे बहुत ही ज़्यादा हाई पर हैं, ठीक है। और ये डेस्टाइन या डिवाइन यूनियन है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड किस्मत का कार्ड है और किस्मत से आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं। अगर आप ये कहो कि हम दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हैं तो यू आर, ठीक है। आगे चलेंगे विद इस डेथ या रीबर्थ। देखो आपकी ज़िंदगी इनसे शादी के बाद नई तरह से शुरू हुई होगी, बिल्कुल नई तरह से, कोई पुरानी चीज़ इसमें नहीं है आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी में, ठीक है। हर चीज़ नहीं है, हर चीज़ नहीं है, आपका इवन लाइफ एक्सपीरियंस तक नया है इसको लेकर के, ठीक है। लाइफ एक्सपीरियंस तक नया होगा और इसे बोलते हैं ना कि मतलब फैमिली नहीं घर नया, पति होना, पहले आप अनमैरिड थे तो ये पूरा स्टेटस चेंज हो गया आपका और आपको बड़ी इंटेंसली ये चीज़ फील होगी कि अब जैसे मैं कोई और पर्सन हूँ, ठीक है। क्योंकि दे आर फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे की ज़िंदगी। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स, देखो आप जितनी मर्जी हो लो कि भाई मैं स्ट्रिक हूँ या जो भी सीन, आप अपने आप को जितना नेगेटिव सोच लो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, शी इज़ द मोस्ट मोस्ट लविंग वाइफ टू हिज हस्बैंड, ठीक है। इसकी फेमिनिन क्वालिटीज़ स्पेशली इसकी स्टाइल अदाएँ जिसे बोलते हैं, आप ना भी अदाएँ दिखाओ लेकिन आपके अंदर एक नेचुरल वो चीज़ है जो कि आपके पति को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये जो कपल हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का, दैट इज़ लिटरली स्पार्क, ये स्पार्क है, ठीक है। ये डूअर है, लिटरली दे आर परफॉर्मर एंड शी इज़ द वन के एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल अपने हस्बैंड के लिए अट्रैक्शन, इंतहा की अट्रैक्शन जिसे मैं बोल लूँ ना वो हो सकता है। यहाँ पर जो चीज़ है वाटर साइंस वाले पाइसिस कैंसर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है आप में, एवन इवन इफ़ यू आर नॉट अ वाटर साइंस, स्टिल आपके चार्ट में वाटर साइन की प्लेसमेंट इस बात को ये इंडिकेट करती है कि यू आर गोइंग टू बी गेटिंग ट्रू लव फ्रॉम योर पर्सन, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा ना हमदर्द इंसान हो एक दूसरे के, ठीक है। मतलब दूसरों के लिए आप बहुत कुछ होता है और शायद आप खुद पे इतना नहीं करते हो इन्वेस्ट जितना आप दूसरों का ख्याल करते हो, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी में आया है डेविल एंड डेविल एनर्जी इज़ फुल ऑफ लव एंड ऑब्सेशंस, इवन इफ आई से कि इट इज़ लाइक कि वो इंसान जब आपसे एडिक्ट हो जाता है तो आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ये एडिक्टिव हो एडिक्ट होगा आपका, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स भी एडिक्शंस की इंडिकेशन है और सा डेविल जो आया है लिटरली इट इज़ गोइंग टू बी, मतलब उसकी स्ट्रेंथ और भी पावरफुल कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टिव अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। स्पेशली आपके लुक्स क्वीन ऑफ कप्स और इन द फेमिनिटी एंड दोज टाइप ऑफ थिंग्स, ओके। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स मोर नाइन ऑफ सोर्ड्स। देखो शाम को या रात के समय इस पर्सन की जिसे बोलते हैं ना दोबारा से आंखें खुल जाती हैं, मे बी दिस इज़ अ नाइट आउल, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ही हैज़ गॉट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको रात को जगाए रखना है, ठीक है। सो आप दोनों की बेड लाइफ बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, फुल ऑफ लव एंड सपोर्ट। Nine of Pentacles is also representing when somebody is abundant enough to give you जो भी आप deserve करते हो। So ये इंसान rich है ना भी हुए, still आप
को बहुत अच्छा रखेंगे, आपके लिए सारी लाइफ की लग्जरीज होंगी, आपके लिए सारी अबंडेंस, लविश लाइफस्टाइल, जो भी सीन है दैट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग। थ्री ऑफ कप्स काफ़ी जॉली पर्सन है, बोरिंग बिल्कुल नहीं है। थ्री ऑफ कप्स सपोर्टिव है, मतलब इसको हल्ला गुल्ला करना, इसको मौज मस्ती पसंद है। घर में कोई इवेंट है या आप लोग कहीं जा रहे हो, बिल्कुल मूड ऑफ ये नहीं करेंगे, करने वाले रादर ही इज़ द पर्सन के जो इंजॉय करता है। ठीक है, ऑल राइट। अनदर थिंग इज विद टू ऑफ कप्स, दिस एनर्जी इज़ फुल ऑफ लव, डीप लव एंड मैरिज। ठीक है, सो आप दोनों सोलमेट हैं, जन्म जन्म के साथी हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। ऑल राइट, सो लेट्स सी आपको कैसा पति मिलेगा। आई जस्ट वांट टू चेक आउट यू गाइस लव लाइफ। डिसेप्शन, देखो किसी ने आपको धोखा ज़रूर दिया होगा ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं किसी ने यू नो मखोटा पहना होगा, चेहरे पे मास्क पहना होगा, जिसको लेकर के आप काफ़ी हो कि भाई इसने मुझे धोखा दिया था, और उसकी वजह से आपकी हो सकता है नेगेटिव अप्रोच हो गई हो ज़िंदगी में। बट दिस पर्सन इज़ कमिंग एज टू सेव यू। ठीक है, इसे मिलने के बाद आपको वो धोखेबाज याद नहीं आने वाला। ठीक है, मेक एन एफर्ट। देखो ये इंसान मोहब्बत के लिए, आपको पाने के लिए एफर्ट करेगा। आई थिंक किसी ने आज तक आपके लिए एफर्ट नहीं की जिसके लिए आपको काफ़ी इस चीज़ का मलाल है लाइफ में या माइंड में इस चीज़ का है कि भाई मेरे लिए किसी ने कुछ किया नहीं कभी। ठीक है, तो दिस पर्सन इज़ कमिंग टू डू समथिंग फॉर यू। सही है, ये इंसान, ये बंदा जो भी है ये आके ज़रूर कुछ करेगा और गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। दे ऑल वांट, ऑल दे वांट इज़ योर परमिशन, कि आप इनको परमिशन दे दो इनसे मोहब्बत करने की, या इनको परस्यू, आपको परस्यू करने की इनको इजाज़त दे दो। ठीक है, क्योंकि आपकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं करने वाले। ठीक है, दे वांट कि आप मान जाओ। ठीक है, रिलीज योर एक्स अगैन। पास्ट पार्टनर के बारे में आपने नहीं सोचना, दिस इज़ अ न्यू एनर्जी, और आप इस एनर्जी को कैप्चर करो ASAP, एज सून एज पॉसिबल, अदरवाइज ये एनर्जी निकल जाएगी और आप वही पास्ट उसी में रहोगे टिल एंड लाइफ। ठीक है ना, फ्री योर सेल्फ, बार बार वही आ रहा है, अपने आप को, अपने माइंड को खाली करो, अपनी लाइफ को खाली करो, और अपने अपनी लाइफ का कंट्रोल हासिल करो। ठीक है ना, जितनी जल्दी आप अपने माइंड को खाली कर लोगे पास्ट के थॉट से, उतनी जल्दी ये इंसान आपकी लाइफ में आपको खड़ा सामने नज़र आएगा। सो इसे उसका भी रास्ता जो है ब्लॉक होता है। ओके गाइस, लेट्स सी इनकी क्या भावनाएं होंगी आपके लिए, आपका पति की। आई एम बॉन्डेड, देखो ये बंदा स्टिक रहेगा आपके साथ। हाँ, ये स्टिक रहेगा, ये कभी आपको छोड़ के जो है जिसे बोलते नहीं जाएगा, और दे नो कि दे आर योर्स। आई फील कॉन्फिडेंट, देखो उसको ब्लाइंड ट्रस्ट है आप पे कि यू आर देयर प्रॉपर्टी, यू आर देयर लॉयल्टी एंड यू आर देयर एवरी थिंग। उसका ये ब्लाइंड ट्रस्ट, वो चाहता है कि कभी भी जो है ना वो ना टूटे। ठीक है, तो ऑल दे वांट फ्रॉम यू इज़ योर वफा। ठीक है ना, कि आप उनके साथ लॉयल रहें, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ बहुत स्ट्रांगली कि इस बंदे को कितना आप पे ट्रस्ट है। आई एम गिफ्टेड, ऐसा वो सोचते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना, मेरी कितना भाग्य मेरा अच्छा है, खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये गिफ्ट मिला है, या आपको एज अ गिफ्ट ही देखते होंगे, मुझे दिख रही है इनकी वाइब ना। आई एम चोजन, वेरी स्पेशल, बहुत स्पेशल फील करते हैं ये कि आपने इनको चुना है। दिस इज़ सो नाइस ऑफ ही।
आई फील ओपन। दूसरा बात है कि अपने आप को बहुत फ्री फील महसूस करेंगे कि भी मैं फ्री हूँ, आई एम ओपन, एंड लाइक जैसे कोई होता ना है अपना, बहुत अपना, जैसे इंसान हर चीज़ ओपनली शेयर कर लेता है, ऐसा रिलेशनशिप होगा आप दोनों का एक दूसरे के साथ। ठीक है, सो ग्रुप नंबर वन, आई जस्ट वॉन्ट टू चेक आउट द जोडियक सन या फिर एनर्जी फ्रॉम द टायर्स। सो यहाँ पे लीब्रा की एनर्जी है जो रिप्रेजेंट करती है मोहब्बत और ट्रू लव। दूसरी है यह एक्वेरियस की एनर्जी विच रिप्रेजेंट्स कि इंसान बहुत ऑर्गेनाइज्ड होगा। ठीक है, हाँ ऑर्गेनाइज्ड होगा। जेमिनाई कम्युनिकेटिव, जॉली, इंटेलिजेंट और अच्छे मूड का होगा। कैप्रिसो स्कॉर्पियो फिक्स वाटर साइन, ये कभी छोड़ के नहीं जाने वाला, और यह है कि ये इंटेंसली लॉयल्टी डिमांड करते हैं स्कॉर्पियंस। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओके, यू आर ऑन माय माइंड 24/7। ओके, दिस इज़ आई डू रिस्पेक्ट यू, कहते मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट करता हूँ। वाई डू आई मिस यू, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा जो है वो याद क्यों करता हूँ। यू आर वेरी केयरिंग, बहुत केयरिंग हो। वन आई टच यू बैक, ओके, सो वेट हियर, कार्ड अनफोल्ड हुआ है आपके लिए। स्लीपलेस नाइट्स, ठीक है, तो मे बी दे आर थिंकिंग अबाउट यू, यू नेवर नो। रात को लगते बहुत ज़्यादा सोचते होंगे आपके बारे में। ओके गाइज, आपके जो लिप्स हैं इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। लेट्स गो ऑन दी लॉन्ग ड्राइव। आई लव्ड यू बिफोर इवन टचिंग यू, तो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी आत्मा से प्यार था। ठीक है, तो तुम्हें हाथ लगाने से पहले आए मुझे तुमसे मोहब्बत होगी हुई थी। सो यू नो दिस इज़ अ सोल लवर, लेट्स मैरी, कहते हैं आओ शादी कर लेते हैं। आई लव योर स्माइल, तुम्हारी स्माइल बहुत सुंदर है। आई टेक ब्लेम फॉर एवरी थिंग, मेरा कसूर है, हर चीज़ का ब्लेम मैं अपने ऊपर लेता हूँ। एम आई ऑन योर माइंड, क्या मैं भी तुम्हारी यू नो तुम मुझे भी सोचती हो कि नहीं। ओके गाइज, आपके नेक पर जो है दे आई रियली वॉन्ट टू इस यू। ओके गाइज, अगैन यहाँ पे मैसेज है अबाउट इसिंग। आई थिंक अबाउट योर लॉट, तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ। वाई आई एम फॉलिंग फॉर यू, मैं क्यों तुम पे इतने मरे जा रहा हूँ। दे कैन नॉट कंपनी है ना, कैन आई होल्ड योर हैंड, क्या तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर वन। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई लव यू एंड बाय। Hello and welcome, pile number 2. If you choose second option, my love, let's see what comes up for you. What is there for you? आपको भगवान से, गॉड से कैसे पति मिलेंगे या कैसी पत्नी मिलेंगी, कैसा इंसान होगा। एंड मैं आपके लिए लव या प्राइवेट मैसेजेस भी हैं उनकी तरफ से। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड। ओके गाइस, दिस इज 8 of Wands card.
एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके जी एस ऑफ पेंटिकल्स, रीबर्थ, फाइव ऑफ वांड्स। ओके सबसे पहले मैं यहाँ पे जो चीज़ देख रही हूँ आपके स्पाउस की, दैट इज़ के इंसान बहुत ज़्यादा पोसेसिव है, पोसेसिव नेचर है इसकी, क्योंकि यहाँ स्कॉर्पियो भाई भाई है एंड स्कॉर्पियो एनर्जी इज ऑलवेज वेरी वेरी पोसेसिव, ऑलवेज वेरी वेरी डीप थॉट्स और इमोशनल और यू नो वाटर साइन प्लेसमेंट्स आर लिटरली फुल ऑफ इमोशंस एंड लव एंड डीप फीलिंग्स और बहुत ज़्यादा अटैच होना किसी के साथ, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ वांड्स भी है तो ऑब्वियसली ये इन कार्ड की वाइब्रेशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि ये इंसान थोड़ा पोसेसिव, बल्कि ज़्यादा ही पोसेसिव है और ये कुछ भी कर सकते हैं फाइव ऑफ वांड्स आपके पीछे, ठीक है। आप लड़ सकते हैं मतलब लोगों के साथ, इनको जो भी करना हो उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, स्पेशली अगर ये आपका मसला है, आपका मैटर है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, आई डोंट नो ये पर्सन नहीं बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स आपके 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 लिए साथ ही गुस्से में नहीं है, आपके लिए हो सकते हैं लेकिन आपके साथ ही गुस्सा नहीं करता। एट ऑफ वांड्स की एनर्जी है, लिटरली ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगा आपके साथ ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसने आपको ना पसंद बहुत जल्दी कर लिया होगा पहली नज़र में, उसी एस ऑफ पेंटिकल्स एट ऑफ वांड्स मतलब लिटरली पहली नज़र में इसने आपको पसंद कर लिया होगा और ये बहुत जल्द आपको प्रपोजल भेज देगा, राइट, लाइक प्रपोजल टू मैरी यू, बहुत जल्द इसे बोलते ना, मतलब आप समझो लो आपको जब मिले हो ना दिल में, इन्होंने तो उसी दिन डिसाइड कर लिया था, लेकिन ये आपके साथ एज अ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, ठीक है। दे विल प्रपोज यू, दे विल इवन हो सकता है आपको रिंग भी पहना दे कि तुम एंगेजमेंट कर लो मेरे से, क्योंकि इंसान से इतना वेट नहीं होता, ये यू नो धीरज नहीं रख सकता, सब्र ये नहीं कर सकता। और स्पेशली व्हेन इट्स यू, जब ये आपका मसला है तो बिल्कुल भी इससे सब्र जो है वो आप बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें कि ये सब्र करेगा, नो सॉरी, ये फ़ौरन से आपको झट से प्रपोज करेगा और ये कहेगा कि भाई तुम इससे शादी करो भी, ठीक है। सो ये ऐसे ही हैं, हर काम में जल्दी होती है इनको, टेन ऑफ कप्स, लेकिन 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 टेन ऑफ कप्स के साथ ये फैमिली ओरिएंटेड है, ये फैमिली के साथ रहना चाहता है, ये वो बंदा या बंदी होगी जो परिवार को जोड़ के रखेगी, परिवार को जोड़ के रखेगा, ठीक है। और आप ही आप देखो तो आप इनके साथ बूढ़े हो गए, बहुत अच्छी यहाँ पे मैरिड लाइफ है और आई कैन ऑल्सो सी योर फ्यूचर किड्स हियर, ठीक है, जो कि खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छी बहुत ही यू नो प्यारी फैमिली है। और टेन ऑफ पेंटिकल्स वैसे भी फुल ऑफ फैमिली लाइफ है, अगर आप इस चीज़ को लेकर के चिंतित हो ना कि भाई मैं पता नहीं मेरी शादी के बाद क्या हो जाएगा मुझे, कुछ भी नहीं होना, डरो मत, ठीक है ना, अच्छा ही होगा जो भी होगा आपकी। इवन मुझे ऐसे दिख रहा है कि लग रहा है कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो जो है ना अनमैरिड लाइफ से ज़्यादा मैरिड लाइफ में सेटिस्फाइड मुझे फील कर रहे हो, फील हो रहा है मुझे, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स अगेन, दूसरा एस आया है, न्यू न्यू हर चीज़ न्यू है यहाँ, तो एक न्यू कम्युनिकेशन है, ठीक है, आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये बंदे का माइंडसेट भी ऐसा है एज अ हस्बैंड कि इसका माइंड क्लियर रहता है, ये शक नहीं करता, ठीक है, उसको ट्रस्ट है आप पे, और कभी कोई ऐसी बात मिसअंडरस्टैंडिंग की हुई भी तो ये डायरेक्ट आपसे पूछेगा, ठीक है ना, इसको कोई वो ज़रूरत नहीं है शक करने की, यहाँ चोरी चोरी यू नो
स्टॉक करने की या नज़र रखने की, ना तो इसके पास इतना समय है और ना ही इसके पास ऐसा माइंड सेट है जो कि चोरी चोरी देखना और यू नो इस तरह से। दिस पर्सन इज़ नेवर लाइक दैट। सो ओह माय गॉड, टेन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स का इकट्ठा आना इज सो सो गुड फॉर दोज के जो फैमिली चाहते हैं, कि जो फैमिली लाइफ को लेकर के परेशान है कि पता नहीं मेरी शादी के बाद क्या फैमिली होगी क्या नहीं होगी। इवन आपके जो ससुराल वाले हैं, आई कैन ऑल्सो सी हियर, सो कोऑपरेटिव, सो लविंग, ओके। और स्पेशली आई कैन सी अ लॉट लॉट ऑफ किड्स हियर, तो आपके यू नो बच्चों को, फ्यूचर किड्स को मैं देख रही हूँ, आपको दोनों को। सो आपके घर में ना, इसे बोलते हैं ना भगवान का दिया, खुदा का दिया, सब कुछ होना, एवरी जिसे बोलते हैं लग्जरी ऑफ लाइफ आई कैन सी है। और पाइल नंबर टू, आई कैन ऑल्सो सी कि जो आपके बच्चे हैं फ्यूचर किड्स, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी विद यू गाइज एज पेरेंट्स, ठीक है। ओके जी, कैसा पति है ये हैरोफेंट? बहुत ही जिम्मेदार हैरोफेंट तो वैसे भी जिम्मेदार ही है, ठीक है ना। और ये ऐसा पति है कि उसको बड़ी स्ट्रांग इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई सोलमेट, ठीक है ना। एज अ वाइफ उसकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये पूरा करेगा, और खुशी खुशी, ये नहीं कि रोते धोते या ताने मार मार के। ओह माय गॉड, ओह माय गॉश, ग्रुप नंबर टू, इतने आप लकी हो ना, अगर आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए ना या बंदी के जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता हो जाए, जो मेरे हक में लड़ सके या जो मेरे लिए स्टेप ले सके या जो कमिटेड हो, ठीक है ना। तो कमिटमेंट के हिसाब से तो आप कुछ ना पूछिए। फोर नंबर एम्परर, फाइव नंबर हैरोफेंट, ये दोनों मेजर अरकाना, आप मतलब अगर आपको फादर फिगर चाहिए कि जो आपको केयर कर सके, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा या बंदी कि जो, कैसे मैं आपको समझाऊँ, देखो अगर आप फॉर एग्जांपल जॉब नहीं करते हो, ठीक है, आप 100% हाउस वाइफ बनना चाहते हो या आप हो, तो आपको एक ऐसा बंदा चाहिए कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उठा सकता है अपनी, ठीक है ना। तो आप जो ना वो नहीं कर सकते कि भाई कोई बात नहीं, आप उस पर रिस्क नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये बंदा मरते दम तक वो है, आप जॉब करो ना करो, आप कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियली उठाओ ना उठाओ, इसने उठाई भी है, ठीक है। सो अनदर थिंग इज़ विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन किंग एम्परर हैरोफेंट, ओह माय गॉश, आपको क्या चाहिए, सारे कोर्ट कार्ड्स हैं या फिर मेजर अरकानास हैं, लिटरली दीज कार्ड्स आर फुल ऑफ एनर्जीज, बस कुछ ना पूछो आपका हस्बैंड कैसा होगा। बहुत ही ज़्यादा कमिटेड, बहुत ही जिसे बोलते हैं ना गैरत वाला, जिसमें कोई है अकल है, इसमें ताकत है, ऐसी शक्ति है कि अपने आप को हस्बैंड कह सकता है, इसकी औकात है, ठीक है ना, कि ये वाइफ को रख सकता है प्यार से अपने खर्चे पे बगैर कोई बात सुनाए। हल ऐसा होता नहीं है आजकल, यू नो। सो आई जस्ट वांट टू चेक आउट इनकी भावनाएं क्या होंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि एज अ रोमांटिक पर्सन ये कैसा होगा। सो इनकी भावनाएं आपके लिए क्या हैं? चोसन गाइस, ये ऐसा सोचते हैं कि आपने इनको जो चूज़ किया है ना, ये आपकी बहुत बड़ी दया है इन पर ऐसा सोचते होंगे, ठीक है। वैसे तो ये बंदा बहुत ही यू नो माचो मैन है, बहुत ही अकड़ू और लाइक बहुत गुस्से वाला भी बोल लो, ठीक है, बट अंदर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लिटरली इस इंसान को आपके सिवा कुछ और दिखता ही नहीं होगा, एंड दे आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आपने इनको चूज़ करा है, ठीक है ना।
आई एम चेरिश्ड। देखो इस टाइम में बहुत सारी मेमोरीज आप दोनों इकट्ठे बनाओगे एक दूसरे के साथ ना, बहुत ज़्यादा। और ये इंसान बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर के, बहुत आप लोग पिक्चर्स खींचोगे पूरी लाइफ में बच्चों के साथ, योर फर्स्ट बेबी, योर सेकंड बेबी, मैरिज शादी की पिक्चर्स, और यू नो डेट पे कहीं गए वहाँ पिक्चर्स। तो आप लोग उन मेमोरीज को सेव करके रखोगे अपनी पिक्चर्स को, और एंड लाइफ में जब रिटायरमेंट की आती है लाइफ, आप देख कर खुश हुआ करोगे, ठीक है। गिफ्टेड, उनको पता है कि दे आर गिफ्टेड, उनको पता है कि आप ऐसी चीज़ नहीं मिल रही दोबारा कहीं से। सो इस चीज़ को वो, इस चीज़ के लिए वो ग्रेटफुल होना चाहते हैं, वो हैं। सो आई फील ओपन। देखो इनको ना हमेशा से ऐसा साथी चाहिए था कि इसके साथ ही खुल के ना कोई बात डिस्कस तो कर सके, ठीक है, जिससे वो दिल की बात सुना सके। क्योंकि इसका दिल ऐसा है ना कि किसी के साथ शेयर नहीं करता, इसने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी कभी कुछ नहीं शेयर किया, ये ऐसा है, या अपने सिबलिंग्स के साथ तो कुछ ना पूछो ना। तो ये ऐसा चाहता था कि मेरा जो स्पाउस हो ना, मैं उसके साथ मिल के अपने दिल की बातें करूँ, ठीक है। तो आप दोनों का रिलेशनशिप भी ऐसा ही है कि आपके साथ बहुत ओपन फील करा करेंगे कि यार एटलीस्ट ही अंडरस्टैंड्स मी, एटलीस्ट ही थिंक्स अबाउट मी, ठीक है। तो ये चीज़ है, कंफर्ट लेवल होगा इस रिश्ते में। आई एम बॉन्डेड, देखो आप इसको हुक्ड करके रखोगे इस पर्सन को, आपकी मोहब्बत, आपकी केयर, ठीक है। क्योंकि ये बंदा थोड़ा इमोशनल सा है, मैं बता दूँ आपको, ठीक है। ये दिमाग से बहुत कम सोचता है, ये दिल से सोचता है, ठीक है। इसका दिल बहुत प्योर है और ये दिल से ही फैसले लेता है, और आपसे जो शादी का फैसला था ये भी उन्होंने दिल से ही लिया था, ठीक है। तो ये इंसान अटैच हो जाता है जो भी से प्यार दे उसके साथ, ठीक है। तो एज अ वाइफ अगर आप फीमेल हैं तो इसकी अटैचमेंट हो गई होगी आपके साथ, और इस अटैचमेंट को कभी खोना नहीं चाहता। दे वॉन्ट टू स्टे बॉन्डेड, दे वॉन्ट टू स्टे अटैच, ये अपनी मर्जी से अपनी खुशी से आपके साथ अटैच है, और दे आर एब्सोल्युटली ओके विद इट, ओके एब्सोल्युटली ओके। सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस, यहाँ सॉरी लव मैसेजेस हम बाद में देखेंगे, पहले मैं देख लूँ कि एज अ हस्बैंड ये लव लाइफ में कैसे होंगे। ओके जी, अट्रैक्शन, एक्सट्रीम अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, ठीक है। बहुत रोमांटिक है, बहुत ही हर मोमेंट को इन्जॉय करते हैं, स्पेशली इनको आपके साथ डांस करना बहुत पसंद होगा, कपल डांस, ठीक है। और आई कैन सी बोथ ऑफ यू गोइंग ऑन रोमांटिक डिनर डेट्स टुगेदर, ठीक है। और इनको आपके चीक्स बहुत पसंद है, चीक्स और हाथ, हाथ बाजू और चीक्स, दीज आर देयर फेवरेट्स। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। द वे यू लुक, जिस तरह आप अपनी केयर करते हो, मेकअप करते हो, ज्वेलरी पहनते हो, कपड़े, फेमिनिनिटी, ये इंसान पागल हो जाता है चीज़ें देख, ये चीज़ें देख के पागल हो जाते हैं, ठीक है। रिकन्सिलिएशन, भाई आपकी पास्ट लाइफ का सोलमेट है, इसकी कोई, इसने पहले भी आपके साथ जिंदगियाँ गुजारी हुई हैं, जीवन गुजारे हुए हैं, और इसको पता होगा कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। तो जाने अनजाने में आप दोनों ही ऐसी चीज़ें करा करोगे कि यू नो आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि यार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं एक दूसरे का। जैसे न्यू लव है, ये न्यू आपकी ज़िंदगी में, और यहाँ हो सकता है कि कोई इंसान आजकल आपके माइंड में हो नया नया, ठीक है, आप किसी को सोचते हो। तो एग्जैक्टली दिस इज़ दैट वेरी पर्सन, द न्यू पर्सन, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। देखो हो जो हो गया सो हो गया, पास्ट में उससे सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। पास्ट सीखने के लिए होता है, ना कि वहाँ पर रहने के लिए होता है, ठीक है। जस्ट लर्न फ्रॉम दैट एंड गेट आउट ऑफ दैट वेरी सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल। ऑलराइट, वेडिंग गाइस, पाल नंबर टू, यू आर गोइंग टू बी गेटिंग मैरिड सून। आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पर जो मैरिज है आपकी और इनकी,
कमिंग ईयर 2025 में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के योग बन रहे हैं कि आपकी शादी जो है वो हो जाए। और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री मुझे लग रही है आप दोनों की ना आपस में, ठीक है। और एक दूसरे को ना आप दोनों जिसे बोलते हैं ना कि समझना, ठीक है ना, समझते बहुत हो एक दूसरे को, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई है यहाँ। सो ग्रुप नंबर टू, पहले मैं जोडियक डाइस से ज़रा चेक कर लूँ इनकी एनर्जीज आपके स्पाउस की, फिर हम पर्सनल मैसेजेस की ओर चलते हैं। ओके जी स्कॉर्पियो, अगेन फिक्स वाटर साइन, ज़िद्दी है, अपनी बात मनवाते हैं, ठीक है। और जिसे बोलते हैं ना कि लॉयल हद के ज़्यादा है, ठीक है, इनको बिल्कुल भी डिसलॉयल्टी बर्दाश्त नहीं है। एरीज एम्बिशियस, ठीक है, थोड़ा सा अकड़ू गुस्से वाला, और लेकिन ये है कि ये लोग करियर में काफ़ी अच्छा कर जाते हैं, ठीक है। सैजिटेरियस फायर साइन बोर निकल रहे हैं आपके, अगेन सैजिटेरियस थोड़ा सा यू नो टेम्परामेंट का इशू इनको भी होता है और लेकिन ये है कि ये फनी होते हैं, ठीक है ना। पाइसिस काइंड बिहेवियर, थोड़ी सी फेमिनिटी इन बिहेवियर के, जहाँ ये बहुत ज़्यादा सटल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और लेकिन इनका ड्रॉबैक ये है, शेडो साइड ये है कि ये प्रैक्टिकल नहीं होते, इनको ज़्यादा ड्रीम्स में रहना पसंद होता है, ठीक है। और इसमें भी मैरिड लाइफ अक्सर इनकी सफ़र कर जाती है इस सिलसिले में। टॉरस एनर्जी इज़ फुल ऑफ कमिटमेंट्स। ओके जी, लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओके, वेल यहाँ भी है कि इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, एंड रोमांस, ठीक है, रोमांटिक है काफ़ी इनको, रोमांटिक थोड़ा माहौल भी बनाना और यू नो सारा चीज़ें पसंद है। रेड ड्रेस, आप हो सकता है रेड कलर की ड्रेस पहली दफ़ा पहनी हो के साथ, इनको बहुत पसंद है। बेबी दिस इज़ ट्रू लव, ओके बेबी दिस इज़ ट्रू लव, आई लव यू इन टाइट ड्रेस, सो आपकी फिटिंग वाले ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। एम आई इन योर माइंड, क्या मैं भी तुम्हारे माइंड पे हूँ, तुम्हारे जहन पे हूँ। ओके जी, यू आर वेरी केयरिंग, तुम बहुत केयरिंग हो। आई लव योर स्माइल, आई डू रिस्पेक्ट यू अ लॉट, कम लेट्स कदल। ये पर्सन बहुत रोमांटिक से हैं, बता दूँ मैं आपको पहले। आई वॉन्ट टू मैरी यू, तुमसे शादी करना चाहता हूँ मैं। वी डू हैव सोलमेट कनेक्शन, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, मे बी कुछ इन्होंने किया है या यू नो लेट्स सी क्यों भी सीन है, दे आर सेइंग सॉरी फॉर दैट। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ज़िंदगी में। योर आइज़ आर वेरी अट्रैक्टिव, आपकी आँखें बहुत सुंदर इनको अट्रैक्टिव लगती होंगी। ट्विन फ्लेम रीयूनियंस, दिस इज़ अ बिग कार्ड नाउ, सो मे बी दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, यू नेवर नो, वन आई टच यू बैक। Why are you worried? तुम क्यों परेशान हो जब मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो ठीक है। You have got very beautiful looks. Let's leave together. So they wanna do naughty stuff. They are very naughty. ठीक है, I think about you a lot. Right? So pile number two. That's it for today. Okay, I will see you in my next video. Till then, you have to take care of yourself
एंड आई लव यू ऑफ कोर्स एंड